हाय एवरीवन, आज मैं आपको अपने व्लॉग के माध्यम से बताने वाली हूँ कि अक्टूबर का मंथ हम गार्डनर्स के लिए क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर का मंथ आ चुका है और इस मंथ में हमको क्या क्या काम करने चाहिए, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। अक्टूबर के मंथ में मैं अब बहुत सारे काम करने वाली हूँ, जिसमें कटिंग्स हैं और सीडलिंग हैं और साथ ही साथ कंपोस्टिंग है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन काम हमें इस समय करना चाहिए वो कंपोस्टिंग का करना चाहिए। रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से जो कंपोस्ट हमने दिया हुआ होता है वो पानी के साथ और मिट्टी के साथ बह जाता है। इसलिए इस मौसम में, जो कि अब न्यू ग्रोथ होगी, न्यू सीज़न आ रहा है और अब जो सीज़न आएगा उसमें आपको पता ही है कि सर्दियों में कितने फ्लावर्स आते हैं और कितनी नई ग्रोथ होती है। लेकिन अक्टूबर और जो नवंबर का मंथ होता है वो हर प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे क्रोटन्स जो हमारे सर्दियों में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, उनके लिए भी ये मंथ काफ़ी अच्छा होता है। और कटिंग के लिए भी ये मंथ मैं सबसे बेस्ट मानती हूँ, क्योंकि इसमें, इस मौसम में आप जो भी कटिंग लगाते हैं वो 100% सर्वाइव करती है। क्योंकि ये जो मौसम है वो ठंड की तरफ को बढ़ता है और इसलिए हमारी जो कटिंग्स होती हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती हैं, उनमें पर्याप्त मॉइस्चर बना रहता है। इसलिए ये मौसम कटिंग्स के लिए, सीडलिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। हमारे चाहे परमानेंट प्लांट हो चाहे सीजनल प्लांट हो, इन सब में हमें कंपोस्ट दिया जाना चाहिए। ये मौसम कंपोस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट मौसम होता है। वैसे तो साल भर दोस्तों हम कुछ ना कुछ कंपोस्टिंग अपने पौधों में करते रहते हैं, लेकिन साल के दो महीने यानी कि साल के दो बार, जैसे फरवरी टू मार्च जब हमारा मौसम गर्मी की तरफ बढ़ता है, और अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर, ये जो हमारा दूसरा टाइम दूसरे मौसम की तरफ बढ़ता है, इस समय कंपोस्टिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। और इस समय क्या होता है ना कि बारिश के पानी से लगातार, इसमें देखो ये बारिश का पानी पड़ने से सब इसका मिट्टी जो है उबड़ खाबड़ हो गई है और सारा कंपोस्ट इसका बह गया है। अब इसमें नई ग्रोथ के लिए हमको कंपोस्टिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा जो ये प्लांट है और भी ज़्यादा बुशी हो जाएगा। और दूसरी समस्या ये भी देखने में आती है कि इसमें इंसेक्ट अटैक भी बरसात के टाइम पे हो जाता है। ये देखिए मेरा चीकू का पौधा है और इसमें, ये देखिए, इसमें एक कीड़े लगने की वजह से ये देखिए सब खराब हो गया है। अब इसमें मेरे को पेस्टिसाइड वगैरह भी डालना पड़ेगा। पेस्टिसाइड डालने के बाद हम इसको कंपोस्टिंग करेंगे, जिसकी वजह से हमारा ये प्लांट फिर से बहुत अच्छी तरीके से बुशी हो जाएगा। जबकि इसमें देखिए कहीं कहीं फ्रूटिंग भी हो रही है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें नई फ्रूट्स भी आना शुरू हो गए, लेकिन अब इसको दवाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों, अक्टूबर का मंथ इन्हीं सब चीज़ों का है कि आप कटिंग्स लगाइए, आप अपने प्लांट को प्रून कीजिए, आप उनको कंपोस्ट कीजिए और साल में दो बार आपको अपने पौधों को पूरी तरह कंपोस्ट देना चाहिए। चाहे आपने अपने प्लांट को अभी थोड़े टाइम पहले ही कंपोस्ट क्यों ना किया हो, लेकिन आपको अब अपने प्लांट को पूरी तरह से कंपोस्ट करना है। क्योंकि एक तो नई ग्रोथ होगी, नए प्लांट्स होंगे, अब सर्दियों में इतनी फूलों की भरमार होती है तो उसमें हमें अपने पौधों को एकदम बूस्ट करना होगा। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि दिसंबर में हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, क्रोटन्स वगैरह सब सर्दियों में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, लेकिन दिसंबर के समय में तो वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं कि हम कोई भी फर्टिलाइज़र उन्हें दें तो वो उसको ग्रहण कर सकें और अपना इम्यूनिटी बूस्ट कर सकें। तो अक्टूबर का महीना यही महीना है जिसमें आप अच्छे तरीके से कंपोस्ट अगर अपने पौधे को कर देते हैं तो उसकी इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो सर्दियों की ठंड और बहुत ही जो उनके लिए ग्रोइंग टाइम नहीं होता है उसमें वो अच्छे तरीके से जीवित रह जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे क्रोटन्स जो हैं उस मौसम में मर जाते हैं। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जैसे कि सर्दियां क्रोटन्स के लिए फेवरेबल नहीं होती हैं और वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे इम्यूनिटी पावर हम एकदम से बूस्ट नहीं कर सकते हैं किसी की भी, तो इसलिए हमको थोड़े टाइम पहले ही उनको इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जिसकी वजह से वो उस मौसम को अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत होती है। अगर आप उसको कंपोस्टिंग नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है और उस समय जो भी मौसम के थपेड़े पड़ेंगे उसमें वो जीवित नहीं रह पाता। बारिश का पानी पड़ने से देखिए खरपतवार भी हो जाती है, इसलिए ये खरपतवार को उखाड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही इनकी जो मिट्टी है,
स्पेशली गुलाब में, देखिए जो गुलाब है, गुलाब में स्पेशली ऐसा होता है कि इसमें नमी बैठ जाती है इसकी मिट्टी में और फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए जब इसका मौसम आता है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में काफ़ी अच्छा खिलता है, जब इसका मौसम आता है तो ये अपने मौसम में अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी निराश हो जाते हैं। लेकिन देखिए मेरा पौधा अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें अच्छे अच्छे फूल भी आ रहे हैं, ये देखिए। लेकिन अब इसकी ज़रूरत जो है कंपोस्ट करने की है, क्योंकि बारिश के पानी से सारा कंपोस्ट इसका बह चुका है और इसमें खरपतवार भी जमा हो गई है। साथ ही इसकी मिट्टी को, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुलाब के लिए बहुत मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर आप साल में दो बार अपने पौधे को ज़रूर अच्छी से अच्छी खाद देते हैं, न्यूट्रिशन रिच खाद देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पौधा कभी भी, गुलाब का पौधा ऐसा नहीं होगा कि वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सारे पौधे देखिए मैंने अक्टूबर के मंथ में कटिंग से ही लगाए हैं, ये सब देखिए। लेकिन अभी इनकी जो इस बरसात के बाद जो थोड़ी सी हालत है वो ख़राब हो गई। इसके पत्ते देखिए, जैसे ये पत्ते हैं, ये सब मैं हटा दूँगी और इसकी सब थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दूँगी, साथ ही इसकी ये खरपतवार हटा कर इसकी मिट्टी को खोद कर मैं इसको दो दिन के लिए धूप लगाऊँगी, जिससे कि अंदर तक जो भी हमारी नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये वीडियो मैं पहले भी, पिछले साल भी मैंने डाला है, ये मेरी एक वीडियो में भी है जो रोज़ के अपडेट्स हैं मेरे, उसमें आप देखिएगा, मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मैंने फुल डिटेल में कि मैंने कैसे इसको मिट्टी को हटाया है, गुड़ाई करी है इसके, मैंने कैसे खरपतवार हटाई हैं और सारा कैसे इसका मॉइस्चर ख़त्म करने के बाद हम इसमें कैल्शियम रिच, आयरन रिच फर्टिलाइज़र को डालते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खाद है। कि जैसे हम लोग अच्छा भोजन करते हैं, उसी तरीके से हमारे प्लांट को भी अच्छे फूड की ज़रूरत होती है, अच्छे खाने की ज़रूरत होती है। और जितना अच्छा फूड सप्लीमेंट आप अपने प्लांट को देंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपकी फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे बहुत अच्छी तरीके से फ्रूटिंग करें, तो आपको भी उनको अच्छा भोजन कराना पड़ेगा। तो साथ ही देखिए मेरे गुलदाउदी के जो पौधे हैं वो अब तैयार हो चुके हैं थर्ड रिपोर्टिंग के लिए, और अब मैं इनको थर्ड रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, जिससे कि ये और भी ज़्यादा बुशी हो जाएंगे और इसको मैं प्रून करती रहूँगी। 15 नवंबर इनका लास्ट प्रूनिंग टाइम होता है और उसके बाद जब इसमें बर्ड्स आ जाती हैं तो उसके बाद हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, हम इसको सॉलिड फर्टिलाइज़र देना बंद कर देते हैं। इसलिए ये अब इसका लास्ट टाइम है कि हम इसको सॉलिड फर्टिलाइज़र दें, तो हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो अगर हम मिट्टी नहीं हटा सकते हैं या हम गमला नहीं चेंज कर सकते हैं, तो हम इनकी साइड से गुड़ाई करते हुए इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि जब इसमें बर्ड्स आ जाती हैं तब हमें इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होता है। उससे पहले हम जितना भी सॉलिड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं तब हम देंगे। गुलदाउदी का पौधा वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कम से कम एक डेढ़ महीने तक पूरी फ्लावरिंग करता है, और इसलिए जो है इस ये देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। मेरे सारे गुलदाउदी के पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं, और मैंने लास्ट ईयर का भी मेरा वीडियो चैनल पर है, आप उसमें देखिएगा, मेरी बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये करता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मेरे सारी देखिए अब इनको कंपोस्टिंग की ज़रूरत है, अक्टूबर ये अब रेनी सीज़न में इनका सारा कंपोस्ट बह गया है, इसलिए अब हम इसको कंपोस्ट करके फिर से बूस्ट करेंगे इसको, और साथ ही साथ ये जो खरपतवार बढ़ गई है इसमें इनको भी हटाएंगे। तो ये निराई गुड़ाई और कटिंग, अब ये जो हम इसकी पिंचिंग करेंगे तो ये हम फिर से ग्रो करने के लिए लगा देंगे, जिससे कि ये हमारा फिर से एक नया प्लांट के रूप में बन जाए। तो इसको ग्रो करना, इसको सीडलिंग करना, अभी आप कोई भी फ्लावर की सीडलिंग भी कर सकते हैं और सब्जियां आप लगा सकते हैं। आप अभी मतलब अक्टूबर का मंथ मतलब एक बेस्ट मंथ होता है गार्डनर्स के लिए, तो ये काम ज़रूर हमें कर लेना है। और अब आज का दिन मैंने भी निकाला है कि मैं आज ये सब काम करने वाली हूँ, और जल्द ही मैं फिर आपको सेकेंड वीडियो दूँगी, तो उसमें अपडेट्स होंगे कि मैंने क्या क्या काम आज करा था, तो आप उसे देखिएगा और आप भी करिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मेरे साथ साथ आप भी करिए, मैं भी करती हूँ, आप भी करिए, और उसके बाद आप भी अपने अपडेट्स मुझे दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपके पौधे कैसे हो गए हैं और क्या क्या आप कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको अपडेट्स का पता चलता है और आप नए नए अपडेट्स जान पाते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए ग्रीन ऑक्सीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।